हाय गाइस, आज हम लोग कॉफ़ी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें वन पॉट लेना होगा जिसमें हम चाय बनाने वाले हैं। आप लोग कोई सा भी पॉट ले सकते हैं। एंड हमें 3 कप हम लोग यहाँ पर कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं। सो हमें 3 कप कॉफ़ी के लिए 2 कप वाटर एंड 1 कप मिल्क चाहिए होगा। सो हम 2 कप वाटर इसमें डाल देंगे। ओके, एंड कॉफ़ी बनने के बाद में हमारी बहुत टेस्टी होती है। अब हम लोग फर्स्टली गैस को नीचे से ओपन करने वाले हैं। ओके, अब हम लोग गैस को ऊपर से ओपन करेंगे। एंड जब गैस ओपन हो जाए तो हमें लो फ्लेम पे करके अपने पॉट को चढ़ाना है। आप लोग कोई सा भी पॉट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का फ्राई लिया हुआ है। एंड हमें अब इसमें सम आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चाय पत्ती डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। ओके, बट हाँ, अगर आप लोगों के पास मैसे स्पून है तो आप लोग 3 स्पून उंगली डालेंगे, जिससे कि हमारी कॉफ़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। एंड कॉफ़ी में शुगर ज़्यादा पड़ा होता है तब कॉफ़ी हमारी टेस्टी लगती है, वरना हमारी कॉफ़ी इतनी टेस्टी नहीं बन पाती है। इसलिए अब हम इसमें शुगर डालेंगे। एंड हमें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर डालें। मैं यहाँ एंड थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो अच्छा लगेगा, टेस्ट इसका बेटर आएगा। मैंने यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर डाल दिया है। अब हमें थोड़ी देर तक वेट करना होगा, तब तक हम कॉफ़ी लेते हैं अपनी। गाइस, यहाँ पर आप लोग कोई सी भी कॉफ़ी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये छोटी पैकेट वाली कॉफ़ी को यूज़ किया है। एंड अब हम लोग इससे सीधे से कट करेंगे फर्स्टली। एंड अब हमने 1 पैकेट कॉफ़ी पूरी इसमें डाल देंगे। आप लोग अपनी डिश के हिसाब से डाल सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों के पास ये छोटी वाली है तो आप मेरे हिसाब से डाल सकते हैं 1 पैकेट से। मीठा ये कॉफ़ी बनने के बाद में बहुत टेस्टी लगती है। गाइस, तो देखिए मैं यहाँ पर कॉफ़ी को डाल दूँ इसमें। फिर अच्छे से कॉफ़ी को डाल देंगे। गाइस, हल्का हल्का हमारे कॉफ़ी से आवाज़ें आने लग गई हैं। कॉफ़ी बनने लग गई है, बॉयल हो रहा है हमारा पानी, थोड़ा सा बॉयल हो गया। लेकिन जब हमारा पानी खोलेगा तभी हमें इसमें दूध डालना है। ओके गाइस, एंड आप लोग जो अपने चेस्ट के हिसाब से हर चीज़ कर सकते हैं इसमें। एंड अगर आप लोगों के पास में चाय पत्ती नहीं है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बट हाँ, वो चाय पत्ती का टेस्ट नहीं आ सकता है बिना चाय पत्ती के। एंड बाकी कुछ वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम इसे डस्टबिन में फेंकेंगे। एंड हम मछली से एक बार हिलाएंगे ताकि हमारा बहुत अच्छे से कॉफ़ी बने, टेस्ट आए, कॉफ़ी का हमारा अच्छा आए। एंड गाइस, अब हम लोग इसके फ्लेम थोड़ा तेज करने वाले हैं ताकि ये जल्दी हो जाए। अब ये हल्का हल्का जैसे होने लग जाए वैसे फिर इसे लो कर देना ताकि अपने हिसाब से होता रहे एंड कोई इसमें प्रॉब्लम भी ना आए। आप लोगों का जैसा मन हो आप लोग वैसे फ्लेम पर इसे बना सकते हैं। एंड हाँ गाइस, ये पूरा काम हम लोग बहुत ही यूजफुली कर सकते हैं, बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। एंड गाइस, कॉफ़ी तो सब लोगों को अच्छी लगती होगी, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को भी कॉफ़ी अच्छी लगती है एंड आप लोग फिर से पीते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं भी जान सकूँ कि आप लोग पीते हैं या नहीं। ओके मुझे हमारी कॉफ़ी इधर हो गई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कॉफ़ी कैसे हो जब होती है तब कैसी हो दिखती है। देखिए कुछ ऐसे होने लग जाता है कॉफ़ी में, तब हमें पता चलता है कि हाँ हमारी कॉफ़ी हो गई है। एंड गाइस अब हम इसमें मिल्क डाल देंगे। ओके अब हमें यहाँ पर वेट करना होगा। गाइस हमारी कॉफ़ी बस होने ही वाली है, थोड़ी देर और बस हमारी कॉफ़ी हो जाएगी। ओके गाइस देखिए हमारी गाइस हमारी कॉफ़ी ऊपर आने लग रही है। जब हमारी कॉफ़ी हो जाती है तो बैटरी आवाज़ चेंज करती है। अब हमें फर्स्ट से गैस से नीचे करना होगा एंड हमें यहाँ पर छन्नी लेनी है। आप लोग कितनी चीज़ से छान सकते हैं एंड अब हम इसे छान लेंगे। एंड गाइस प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। एंड गाइस हमारा कॉफ़ी रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो देखिए हमारी कॉफ़ी एकदम रेडी है, गर्मा गर्म कॉफ़ी। प्लीज़ गाइस हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब और हाँ घंटी को बजाना, घंटी पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ओके बाय।